हेलो एंड वेलकम टू सी एम सी इंदौर सी एम सी इंदौर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले सभी को बहुत बहुत गुड इवनिंग है ना राम राम हेलो ठीक है जो मुझे हेलो कह रहे हैं उनका हेलो है ना चलो अः uh... गुड इवनिंग मैम पटवारी बन गए तो जयश्री मैम का साइंस पढ़ाना कभी नहीं भूल पाएंगे इतना अच्छा तो टेंथ में भी नहीं पढ़ाया सीबीएसई में किसी टीचर ने सोनू अहिरवार थैंक यू सो मच बेटा थैंक यू सो मच और जल्दी ही आप लोग पटवारी बनो जल्दी जल्दी ठीक है चलो तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल किंगडम ये टॉपिक सबसे पहले रखना था बट मैंने सबसे लास्ट में इसलिए रखा क्योंकि काफी बड़ा टॉपिक है पहले दिन ही अगर ये टॉपिक पढ़ोगे ना तो दिमाग भी खराब हो जाएगा ठीक है दिमाग पूरा ही खराब हो जाएगा इसीलिए मैंने ये लास्ट में रखा है देखो सबसे पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं सबसे पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं हेलो मैडम जी हमें पटवारी बना दो जल्दी बिल्कुल जल्दी से बनोगे तुम लोग है ना देखो जीवों का पांच जगत वर्गीकरण फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दुनिया में जितने भी जीव है चाहे पेड़ पौधे हो चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो कोई भी हो कोई भी हो सभी को अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है सभी को अलग आवाज नहीं आ रही है सभी को अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है ठीक है जय श्री राम बेटा गुड गुड इवनिंग इवनिंग। सभी को इवनिंग। तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखा है अरस्तु ने सर्वप्रथम जीव जगत को दो समूहों में बांटा पांच समूहों में बांटने से पहले पहले दो समूहों में बांटा गया था पहले दो समूहों में बांटा गया था ठीक है तो किसने बांटा था एरिस्टोटल एरिस्टोटल इंग्लिश में हिंदी में अरस्तु अरस्तु ने क्या किया था अरस्तु ने क्या किया था कि जितने भी पो, पेड़ पौधे जानवर इंसान मको, कीड़े मकोड़े मछली वी जो भी है सबको पहले दो ग्रुप्स में बांटा आधे एक, ग्रुप्स में, एक ग्रुप में आ दूसरे एक ग्रुप में ठीक है तो ये किसने किया था अरस्तु ने किया उसके बाद लिनियस नाम के एक व्यक्ति थे लिनियस नाम के एक साइंटिस्ट थे जिनका पूरा नाम है कार्लस लिनियस सुरेश बेटा बोलो कोई डाउट है तुम्हें प्यारी मैम के चरणों में मेरा नमन मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ बेटा मैम कछू नहीं सुनाई दे रहा काहे नहीं सुनाई दे रहा हो भाई तुम्हारा एयरफोन खराब तो नहीं होगा है <laughs> ठीक है चलो देखो लिनियस ने जीवधारियों को पादप एवं जंतु जगत में वर्गित किया इसके बाद एरिस्टोटल अरस्तु ने क्या किया था दो ग्रुप्स में बांट दिया था उसके बाद कार्लस लिनियस नाम के साइंटिस्ट आए कार्लस लिनियस नाम के साइंटिस्ट आए उन्होंने क्या किया जीवधारियों को पादप एक तरफ पादप को कर दिया एक तरफ प्लांट्स को कर दिया एक तरफ जंतुओं को कर दिया ठीक है अगर आप आ, अगर आपसे कोई बोलेगा अगर आपसे कोई बोलेगा कि भाई दो ग्रुप्स में किसने बांटा था तो आप अरस्तु बोलोगे लेकिन अगर पूछे कि प्लांट में और एनिमल में किसने बांटा तो आप किन का नाम लोगे कार्लस का नाम लोगे ठीक है अगला है आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली के जनक कार्लस लिनियस फादर ऑफ भाई ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आता है कि भाई फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसे बोला जाता है फादर ऑफ टेक्सोनोमी किसे बोला जाता है ठीक है किसे बोला जाता है? तो आप क्या बोलोगे? Carlos को Father of taxonomy बोला जाता है? और Carlos ने एक किताब, लिखी थी, एक किताब लिखी थी ये किताब कई बार पूछा जाता है जिसका नाम है सिस्टेमा नेचर सिस्टेमा नेचर नाम की सिस्टेमा नेचर नाम की किताब कार्लस लेनियस ने लिखी थी ठीक है चलो अब अगला देखो जल्दी से ये है आपका फ्लो चार्ट ठीक है ऑर्गेनिजम्स का फ्लो चार्ट है ये विटेकर के द्वारा देखो कार्लस रेनियस ने क्या किया प्लांट में और एनिमल में बांट दिया ठीक है प्लांट में और एनिमल में बांट दिया लेकिन उसके बाद फिर से बांटा गया फिर से उस प्लांट और एनिमल की कैटेगरी को और भी और भी और भी बड़ी कैटेगरी में विभाजित किया गया जिसमें और भी छोटे 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 जानवरों को छोटे छोटे पेड़ पौधों को अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया एस में भी आते हाँ साइंस जिसमें जिसमें आता है ना सभी में काम आएगा ये ठीक है तो विटेकर नाम के विट विकर नाम के एक साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किया मतलब पांच वर्गों में बांटा प्लांट्स को और एनिमल्स को तो अगर आपसे पूछा जाए कि पांच वर्गों में किसने बांटा तो आप आर एच विट्टेकर बोलोगे कौन कौन से पांच वर्ग है नाम देखो मोनेरा प्रोटिस्टा कवक पादप जंतु ये पांच कैटेगरीज है क्या लिखा है जीवों का पांच जगत वर्गीकरण किसने किया आर एच विट्टेकर ने किया समझे है ना देखो मोनेरा प्रोटिस्टा फंगी प्लांटी एनिमेलिया ठीक है यहां पर देखो फ्लो चार्ट है प्रो कैरियोटिको कैरियोटिक और यू कैरियोटिक कोशिका आप लोगों को पढ़ाई थी ठीक है आप लोगों को कोशिका वाले चैप्टर में मैंने पढ़ाई थी अब यहां पर देखो प्रो कैरियोटिक में मोनेरा आएगा ये जो मोनेरा लिखा है ना यहाँ पर ये यह जो मोनेरा लिखा है ये प्रो कैरियोटिक में आएगा यू कैरियोटिक में बाकी के आएंगे बाकी के किस में आएंगे यू कैरियोटिक में आएंगे ठीक है चलो अगला देखो क्या है पहला है मोनेरा पहला हम मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे पहला हम मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे पहले देखो अब यहां ध्यान दो ठीक है यहाँ पे ध्यान दो यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा जाता है तो आप लोगों को सारे नाम पता होना चाहिए कि कौन से ग्रुप के अंदर क्या आएगा मोनेरा के अंदर आएगा बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया आरकी बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया साइनो बैक्टीरिया ये तीनों मोनेरा कैटेगरी में आएगा मोनेरा ग्रुप में ये तीनों आएगा ठीक है अब देखो आर्की Ar बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा सा समझ लो आरकी बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा सा समझ लो <coughs> है ना कठोर पर्यावरण में रह सकते भाई ये बैक्टीरिया जो होते हैं ना ये आर्की बैक्टीरिया बहुत कठोर पर्यावरण में, मतलब में रह सकते हैं मतलब बहुत ज्यादा ठंड में रह सकते हैं बहुत ज्यादा गर्मी में भी रह सकते हैं ठीक है और इनमें से कुछ आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं मिथेन मिथेन गैस जानते हो मिथेन का निर्माण कर सकते हैं मिथेन का निर्माण कर सकते हैं ठीक है कुछ होते हैं जिनको हेलोफिल्स कहा जाता है हेलोफिल्स जो ना आर्की बैक्टीरिया का जो हेलोफिल्स वाला प्रकार होता है वो क्या करता है बहुत ज्यादा नमक नमक वाले लवणीय एरिया जो होता है वाला जो एरिया होता है जैसे नमक वाला जो पर्यावरण होता है वहां पर रह सकते हैं इनका इनको बोला जाता है हेलोफिल्स ठीक है मिथेनोजेंस क्या करते हैं मिथेनोजेंस मिथेन का निर्माण करते हैं ठीक है अगला है थर्मो एसिडोफिल थर्मो एसिडोफिल वो वाले आर्की बैक्टीरिया होते हैं है, है, कम स्पीड में, तो में नहीं आएगा यहाँ पे समझने की नहीं है, यहाँ पे तुमको याद रखना है मोनेरा में तुमको ये याद रखना है कि आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया तीन चीजें आती है तीन ग्रुप्स आती है ठीक है ध्यान दो देखो तीन चीजें आती है बिल्कुल कंफ्यूज मत होना आराम आराम से पढ़ा रही हूं मैं ठीक है आराम आराम से पढ़ा रही हूँ देखो मोनेरा में आएगा अब आर्की बैक्टीरिया के बारे में मैंने ये बताया कि आर्की बैक्टीरिया ऐसे जीव होते हैं जो बहुत ही आ, क्लाइमेट में रह सकते हैं मतलब बहुत ही कठोर पर्यावरण में रह सकते हैं इनके द्वारा कई बार क्या होता है कि मीथेन का निर्माण किया जाता है ये लोग जो है ये वाले जीव जो है वो अत्यधिक लवणीय पर्यावरण में रह सकते हैं मतलब बहुत ज्यादा सोल्टी इन्वायरमेंट जो होता है ना वहां पर रह सकते हैं बहुत ज्यादा गर्म इन्वायरमेंट जो रहता है वहां पर भी रह सकते हैं ठीक है ये येट आरकी बैक्टीरिया के बारे में बता दिया मैंने अगला क्या है देखो अगला तो है थर्मो एसिडोफिल आर्की बैक्टीरिया का ही एक टाइप है ये कुछ नहीं है ये मोनेरा के टाइप्स है मोनेरा में किसके आर्की बैक्टीरिया के टाइप्स है ठीक है आर्की बैक्टीरिया होगा अब यू बैक्टीरिया के बारे में देखो यू बैक्टीरिया भी मोनेरा का ही एक टाइप है यू बैक्टीरिया झिल्ली से घिरे केंद्रक देखो यू बैक्टीरिया की जो कोशिका होती है ना यू बैक्टीरिया की जो कोशिका होती है उसमें झिल्ली वाले जो झिल्ली वाले जो अंग होते हैं ना कोशिका में है ना झिल्ली से घिरे केंद्रक और कोशिका अंग में ही पाए जाते हैं ठीक है ठीके? बाउंड ऑर्गेनल फाउंड कोई भी ऐसा कोई भी अंग कोशिका में नहीं पाया जाएगा जो झिल्ली से घिरा हो समझे झिल्ली से घरे घिरे केंद्रक और कोशिका अंग नहीं पाए जाते नहीं पाए जाते नहीं पाए जाते कोशिका अंग में नहीं पाए जाते कोशिका अंग में नहीं पाए जाते, ठीक है? अब इसको यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया यहां पर क्वेश्चन यही फंसेगा क्या फंसेगा कि भाई यू बैक्टीरिया को और क्या बोला जाता है तो बोलना ट्रू बैक्टीरिया भी बोला जाता है अगला देखो क्या साइनो सबसे इंपॉर्टेंट यही है आपसे सबसे इंपॉर्टेंट यही पूछा जा सकता है गुड इवनिंग बेटा जय जगन्नाथ है ना आपसे सबसे इंपॉर्टेंट साइनो ही पूछा जाएगा तो आप लोग बोलोगे ये मोनेरा के तहत आता है मोनेरा के तहत साइनो आता है साइनो को नील हरित शैवाल भी कहते हैं नील हरित शैवाल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका रंग जो है इसका जो रंग है वो इस शैवाल का जो रंग है ये वाला शैवाल अगर आप फोटो में देखोगे ना इसका जो रंग है ये थोड़ा हरा होता है और थोड़ा सा कौन सा रंग होता है नीला होता है हरा और नीला मिक्स होता है इसका रंग ठीक है है ना तो ये याद रखना ब्लू ग्रीन एल्गी किसको बोला जाता है नील हरित शैवाल किसको बोला जाता है तो साइनो बैक्टीरिया को बोला जाता है सबसे ज्यादा सवाल यहीं से आते हैं ठीक है इसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं भाई देखो शैवालों में क्लोरोफिल पाया जाएगा शैवालों में क्लोरोफिल पाया जाएगा क्योंकि शैवाल जो होते हैं वो पादप ही होते हैं एक तरह से शैवाल जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाने में सक्षम होते हैं ठीक है चलो समझे अगला है एल्गल ब्लूम अच्छा एल्गल ब्लूम देखा आप लोगों ने उसको बोलते हैं जब कभी आप लोगों ने कई बार देखा होगा कई सारे ऐसे पॉन्ड होते हैं पॉन्ड मतलब कई सारे ऐसे छोटे छोटे जो छोटे छोटे जो तालाब वगैरह होते हैं ना उसके बाद लेक्स है, होते हैं झीले होती है उनमें देखना बहुत खराब स्थिति हो जाती है एकदम गीले टाइप के शैवाल उसमें तैरने लगते हैं पूरे में एकदम कलरफुल शैवाल पूरे उसको पानी को घेर लेता है और उस पानी में हाथ भी रखोगे तो पूरा शैवाल पूरा शैवाल शैवाल हो जाएगा उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र मैडम जी साइंस इंपॉर्टेंट क्लास है बेटा चलो ठीक है एलगल ब्लूम बोलते हैं उसको एलगल ब्लूम जब समझे एलगल ब्लूम मतलब बहुत ज्यादा शैवाल ही शैवाल हो जाना शहवाल ही शहवाल हो जाना तुम लोगों ने एलगल ब्लूम देखा भी होगा कई सारे झीलों में और तालाबों में एलगल ब्लूम हो जाता है ठीक है जय हिंद बेटा है ना तो उदाहरण देखो भाई उदाहरण देख लो इसका उदाहरण नोस्टॉक नोस्टॉक बिना बिना और ये ये दोनों दोनों ही ही ऐसे 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 जीव है, जीव हैं हैं जो क्या करते हैं जो क्या करते हैं ऐसे बैक्टीरिया हैं ऐसे बैक्टीरिया है जो क्या करते हैं है? है, है है भाई ये <coughs> ये दोनों नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब क्या होता है पेड़ पौधे जो है वो हमारी हवा से जो नाइट्रोजन लेते हैं अपनी ग्रोथ के लिए अपने विकास के लिए पेड़ पौधों को नाइट्रोजन की जरूरत होती है ठीक है तो नाइट्रोजन जो पेड़ पौधे लेते हैं वो सीधा नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं ले सकते तो कुछ कुछ बैक्टीरिया होते हैं सॉइल में मिट्टी में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं और वो बैक्टीरिया मदद करते हैं पेड़ पौधों को उस नाइट्रोजन को लेने में तो ये नॉस्टोक और एनाबीना दोनों नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं ठीक है चलो अगला देखो भाई क्या है प्रोटिस्टा मोनेरा हो गया मोनेरा में साइनोबैक्टीरिया आया ठीक है अगला है प्रोटिस्टा भाई प्रोटिस्टा <laughs> विभिन्न एक कोशिकीय यू कैरियोटिक जीव पाए जाते हैं प्रोटिस्टा ग्रुप में प्रोटिस्टा ग्रुप में कौन पाया जाता है कई सारे एक कोशिकीय कोशिकीय्युलर एक कोशिका वाले एक कोशिका वाले यू कैरियोटिक जीव पाए जाएंगे यू कैरियोटिक और प्रो कैरियोटिक क्या होता है मैंने कोशिका में बहुत अच्छे से समझाया है बहुत अच्छे से समझाया ठीक है तो यू कैरियोटिक यूनिसेल्युलर यू कैरियोटिक यानी एक कोशिकीय यू कैरियोटिक पाए जाएंगे एक कोशिकीय शैवाल प्रोटोजोआ कवक ठीक है शैवाल मतलब एल्गी फिर प्रोटोजोआ फंगी सब वो यूनिसेल्यूलर जो है वो पाए जाएंगे यहाँ पर उदाहरण देख लो भाई शैवाल, डायटम कवक शैवाल, डायटम और कवक इसके एग्जाम्पल हैं। अच्छा यहाँ पर स्वपोषी भी होते हैं ये विषम पोषी भी होते हैं स्वपोषी मतलब सॉरी स्वपोषी भी होते हैं पर भी होते हैं स्वपोषी उनको कहा जाता है जो खुद का खाना खुद बनाता है जैसे प्लांट्स जैसे पौधे वो क्या करते हैं खुद का खाना खुद ही बना देते हैं सूरज की रोशनी के आ, सूरज की रोशनी के आ, हेल्प से फोटोसिथेसिस के द्वारा खुद का खाना खुद बनाते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो पर होते हैं हेट्रोट्रोपिक होते हैं हेट्रोट्रोपिक का मतलब जो है जो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते दूसरों पर निर्भर होते हैं जैसे कि हम बाई हम हम क्या खुद का खाना खुद अपने शरीर में थोड़ी बनाते हैं हम दूसरों पर डिपेंड होते हैं ना ठीक है हाँ ऑटो प्लांट एलगी प्रेजेंस ऑफ लाइट गुड बेटा ठीक है चलो नेम्स देखो नेम्स देखो भाई पैरामीशियम पैरामीशियम का नाम सुने हो ये चप्पल जैसा दिख रहा है क्या तुमको ये चप्पल जैसा इसके इसका जो आकार है ना ये चप्पल जैसा होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है इसी के बारे में पूछा जाता है पैरामीशियम तो ये चप्पल के आकार का होता है ठीक है पैरामीशियम जो है वो प्रोटिस्टा ग्रुप के अंदर आता है पैरामीशियम प्रोटिस्टा ग्रुप के अंदर आता है ठीक है <laughs> मम्मी बना अरे रे ठीक है पैरामिशियम क्लेमिडोमोनास एमीबा एमीबा देखा है एमीबा ऐसा होता है एमिबा का जो शेप है ना बड़ा अजीब सा शेप होता है ये एमिबा होता है एमिबा बहुत छोटे छोटे होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं का शेप 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 ऐसा होता 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 है है मतलब इसका कोई फिक्स नहीं ना गोल होता है ना चौकोन होता है कुछ ऐसा होता है कुछ ऐसा होता है ऐसा चप्पल जैसा होता है ठीक है क्लोरेला क्लोरेला भी इसी में आता है ट्रिपेनोसोमा ट्रिपेनोसोमा भी इसी में आता है ट्रिपेनोसोमा की वजह से एक बीमारी होती है हमें एक बीमारी होती है उसका नाम बताओ मैंने मैंने है ना मैंने आपको यह बीमारी में पढ़ाया था बीमारी में पढ़ा था जानवी बेटा जानवी बेटा तुम पढ़ाई कर लो पढ़ाई कर लोगी तो पटवारी बन जाओगी ऐसे सवाल करोगी तो कुछ नहीं बन पाओगी है ना समझे चलो देखो इधर देखो एमीबा लागमोडियम ट्रिपैनोसोमा क्लोरेला भाई क्लोरेला क्लोरेला एक क्लोरेला एक ऐसा जीव होता है एक ऐसा जीव होता है जिसको जिसको खा सकते हैं क्लोरेला क्लोरेला समझे यूग्लीना ये सब का नाम याद रखना भाई <coughs> अब हम आ जाते हैं कवक पे फंगी भाई फंगी कवक के बारे में देखो फंगी आप लोगों को पता होगा फंगस लग जाता है ना आप लोग देखना दो चार दिन तक अगर रोटी वगैरह को रख दोगे ऐसा ही बनना है बनो बनो बिल्कुल बनो बिल्कुल बनो पढ़ाई ध्यान दो जल्दी बन जाओगे ठीक है फंगस जो है फंगस को हिंदी में कवक बोलते हैं फंगस को हिंदी में कवक बोलते हैं और फंगस आप लोगों ने देखा भी होगा रोटी वगैरह दो चार दिन तक रख दोगे ना तो उसमें देखना हरा हरा लग जाता है रोटी तो तुम छोड़ो रोटी तो तुम छोड़ो तुम अगर ब्रेड देखोगे दो चार दिन बाद ब्रेड को देखना उसमें फंगस कवक ठीक है ना? तो परपोषी होता है भाई ये परपोषी होता है परपोषी और यू कैरियोटिक पर मतलब ये खुद का खाना खुद नहीं बना सकता क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है याद रखना इसमें एक क्लोरोफिल प्रेजेंट मैम जी इनके नोट्स कैसे बनाने हैं इनके नोट्स ऐसे ही बनाने बेटा देखो ऐसे ही बनाने हैं जैसे मैंने लिखे है ना इनमें अगर आपको कुछ पॉइंट्स ऐड करना है तो जो मैं बोल रही हूँ उसका ऐड कर लो बस नोट्स बन जाएगा ठीक है चलो कितने प्रकार से कितने प्रकार के होते हैं बहुत सारे होते हैं बेटा बहुत सारे कवक होते हैं आप लोगों ने देखे होंगे बैक्टीरिया क्या कहते हैं रोटियों में देखा होगा टमाटर में देखा होगा ब्रेड में देखा होगा ब्रेड में जो लगता है ना फंगस उसको राइजोपस कहते हैं उसको क्या कहते हैं राइजोपस देखो है ना अच्छा कवक में फंगस में आपको पता मशरूम भी आता है जो मशरूम हम लोग खाते है ना जो मशरूम हम लोग खाते है ना उस मशरूम को हम लोग फंगस की कैटेगरी में रखते हैं आपको पता है फंगस की कैटेगरी में मशरूम आप लोगों ने देखा होगा ठीक है मशरूम ईस्ट देखा होगा ईस्ट ईस्ट नहीं देखा तो दीमक तो देखा ही होगा दीमक दीमक भी इस कैटेगरी में आता है फंगस की कैटेगरी में आता है है ना दीमक को इंग्लिश में टर्माइट बोलते हैं पेनीलियम देखा होगा पुकीनिया देखा होगा पुकीनिया जो है देखो पुकीनिया जानते हो ये गेहूं में गेहूं में एक बीमारी पैदा कर सकता है पुकीनिया गेहूं में एक बीमारी पैदा कर देता है ठीक है चलो है ना देखा होगा आप लोगों ने अलग अलग प्रकार के मशरूम होते हैं कुछ मश कुछ कवक जो है वो अपघटक होते हैं मतलब कुछ कवक जो है वो कवक किसी मरे हुए जीव पर अपना पोषण अपने पोषण के लिए निर्भर रहे किसी मरे हुए जीव पर या पेड़ पौधे पत्ते जो है जो सड़ जाते हैं उनको सड़ाने में ये हेल्प करता है पता है और उन पर निर्भर रहता है उन पर निर्भर रहता है उसको क्या बोलते हैं

देखो बहु कोशिकीय पौधे शामिल होते हैं मतलब बहु कोशिकीय मतलब मल्टी सेल्यूलर इनमें कोशिका बहुत सारी पाई जाती है बहु कोशिकीय ये यूकैरियोटिक होते हैं कोशिका भित्ति इनमें होती है मैंने कोशिका पढ़ाया है कोशिका चैप्टर पढ़ाया है पाए लागू मैडम जी मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटा जी ठीक है चलो ब्रेड में कौन सा कवक है विशाल बेटा ब्रेड में राइजोपस 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 राइजो ठीक है ब्रेड में लगता है है ना मैम नोट्स मिलेंगे या नहीं हाँ ये पीडीएफ मिल जाएगा ना आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिल जाएगा ठीक है, तो मल्टी सेल्यूलर होता है कोशिका भित्ती उपस्थित होती है आपको पता ही होगा प्लांट की पादप की कोशिका में कोशिका भित्ती होती है इन जो एनिमल्स होते हैं ना जो एनिमल्स होते हैं जो एनिमल्स में हम लोग भी आएंगे हम लोग भी आएंगे जानवर भी आएंगे हमारी कोशिका में कोशिका भित्ती प्रेजेंट नहीं होती है कोशिका भित्ति प्रेजेंट नहीं होती है लवक उपस्थित होता है भाई लवक 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 सबसे इंपॉर्टेंट है ये प्लांट सेल में उपस्थित होता है लवक जो है ये अलग अलग प्रकार के होते हैं जैसे क्लोरो क्लोरोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट ठीक है क्लोरोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट ये तीनों लवक के प्रकार है प्लास्टिड के प्रकार है जो पेड़ पौधों के पत्तों को और फूलों को अलग अलग रंग देते हैं और ल्यूकोप्लास्ट वो वाला टाइप है जो रूट्स में पाया जाता है जड़ों में पाया जाता है जो कोई रंग प्रदान नहीं करता है तो लवक क्या क्या हम हम में में उपस्थित होता है? अलग अलग रंग थोड़ी होते, है? तो एक या दो ही रंग होते हैं? है? तो है। है। है? 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 हाइट है, है वो एक लेवल तक ही बढ़ती है लेकिन पेड़ पौधों की जो हाइट है ना कई सारे पेड़ देखना बहुत बड़े बड़े होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं ठीक है नमस्ते बेटा शैवाल ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म ये सारे जो है ये पादप, पादप जगत में आते हैं। पादप जगत में कौन कौन से आएंगे शैवाल आएंगे ब्रायोफाइट आएंगे टेरिडोफाइट आएंगे जिम्नोस्पर्म आएंगे एंजियोस्पर्म आएंगे है ना वनस्पति जगत के जनक अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा हुआ है क्या लिखा है भाई वनस्पति जगत के जनक के नाम पर किसको जाना जाता है फादर ऑफ बॉटनी बेटा फादर ऑफ बॉटनी डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन थीओफ्रेस्टस थ्रियोफ्रेस्टस थीओ थियोफ्रेस्टस थीओ ठीक है साइंस के नोट्स मिलेंगे क्या हाँ बेटा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे चलो जेनेरा प्लांटेरियम भाई ये किताब है ये भी एक किताब है ये भी एक किताब है जो किसके द्वारा लिखी गई थी कार्लस के द्वारा ये किताब लिखी गई थी कार्लस लिनियस के द्वारा ये किताब जो है ये लिखी गई थी है ना मैम हमें तो इनके नाम याद ही नहीं हो रहे बहुत कोशिश कर रही हूँ हाँ बेटा इसमें याद करने में दिक्कत होती है पता है इसमें क्या करना आप लोग जो जो मैं नाम आप लोग को बता रही हूँ ना जल्दी से उसकी फोटोज देख लेना फोटोज देख लोगे ना तो आप लोगों के दिमाग में ये बैठ जाएगा दिमाग में बैठ जाएगा ठीक है तो याद हो जाएगा पादप जगत को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है वर्गीकृत किया गया है पादप जगत प्लांट किंगडम को दो भागों में बांटा गया है ठीक है है मैम ड्रिंकिंग वाटर अरे वाह यार यार तुमने तो स्कूल स्कूल की याद दिला दी में भी पता है, हम लोग ऐसे टीचर्स को ऐसे बोलते थे मैम मे आई गो टू ड्रिंक ड्रिंक वाटर है ना इस टाइप से हम लोग बोलते थे क्योंकि कई बार क्या होता था कि पानी क्लास में पीने नहीं दिया जाता था बोलते थे जाओ बाहर जाकर पानी पियो मे आई गो टू ड्रिंक वाटर हम लोग को ऐसा बोलना पड़ता था है ना मैम आप नहीं पढ़ाओगे इक्कीस से नहीं बेटा हम हाँ, नहीं पढ़ाएंगे है ना 21 से आपके रवि सर पढ़ाएंगे ठीक है वो भी बहुत बढ़िया पढ़ाते है, आप आप लोगों को पता ही होगा लोग जानते होंगे उनको है ना वो पढ़ाएंगे ठीक है चलो पादप जगत को दो भागों में बांटा गया है पहला है क्रिप्टो दूसरा है फेनेरोगेम और फेनेरोगेम भाई क्रिप्टो गैम ऐसा ऐसा क्रिप्टोगेम जो है वो ऐसा एक ग्रुप है जिसमें जिसमें पुष्प बीज इनका निर्माण नहीं होता है ध्यान दोगे पुष्प और बीज यानी फूल का और सीड्स का निर्माण नहीं होगा है ना <laughs> हम नहीं आएंगे तो फिर क्यों नहीं आ गए आना पड़ेगा तुम लोगों को ठीक है नॉन फ्लावरिंग बिल्कुल बिल्कुल ये वाला जो होता है ना क्रिप्टोगेम पादप जगत का ये वाला जो ग्रुप होता है इसमें भाई, ये इमेज दिख रही है ये, की है। ये, दिख रही है ना, ये की देखो पेड़ पे लगा है ये पेड़ पे चिपका हुआ है ठीक है बहुत छोटे छोटे होते हैं छोटे छोटे होते हैं इसको सबसे बड़ा समूह बोला जाता है सबसे बड़ा समूह इसको बोला है ठीक है पादप का अंग जो है पादप का अंग जड़ तना पत्तों में विभाजित नहीं होता है आप इसको देखो आप इसको देखो ये पीला पीला जो आपको पेड़ में चिपका हुआ दिख रहा है ये बहुत छोटा छोटा ऐसे चिपका आपने देखा भी होगा रियल में भी देखा होगा ठीक है रियल में भी देखा होगा है ना ठीक <laughs> है मैम आप ही पढ़ाना बहुत अच्छे से पढ़ाते हो मैं बायो कंप्लीट करवा दे रही हूँ बेटा ठीक है चलो है ना देखो ये जो ये जो चिपका हुआ है ना ये जो चिपका हुआ है ये इसमें देखो कहीं पर आपको दिख रहा है क्या जड़ दिख रहा है तना दिख रहा है कहीं नहीं है कहीं नहीं है ठीक है मैंने इसीलिए बोला कि फोटो देखोगे ना तो याद हो जाएगा जड़ तना इसमें कुछ नहीं होता है कुछ नहीं होता है जो ग्रुप होता है ना इसके जितने भी जितने भी इसमें पाए जाते हैं उनमें जड़ तना ये सब नहीं होता है ठीक है इसमें जड़ तना नहीं होता है नॉट डिफ्रेंशिएटेड इन रूट स्टेम एंड लीव दो प्रकार के होते हैं एक होता है शैवाल दूसरा होता है कवक इसी में आएगा शैवाल और कवक आपसे अगर पूछा जाए थैलोफाइटा में क्या क्या आएगा बोलना शैवाल आएगा और कवक आएगा यानी कि एलगी और फंगी आएगा देखना शैवाल में भी रूट नहीं होते जड़ नहीं होता है तना भी नहीं होता है। वो चिपके रहते हैं ऐसे चिपके रहते हैं ऐसे है ना फंगस भी अब ब्रेड वगैरह में जो फंगस लग जाता है उसमें आप लोग देखना उसमें आप लोग <coughs> ब्रेड वगैरह में जो लग जाता है उसमें आप लोग देखना उसमें क्या जड़वड़ होता है क्या जड़ नहीं होता तना नहीं होता है है ना आप मत जाना मैम मैं, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ बेटा मैं रोज सुबह करंट अफेयर्स की क्लास लेती हूँ मैं तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली समझ गए मैं रोज करंट अफेयर्स की क्लास सुबह लेती हूँ रोज सुबह सात से आठ मिलना वही है ना चलो ठीक है देखो अब देखो दो प्रकार के होते हैं शैवाल एल्गी इसका शैवाल का अध्ययन भाई स्टडी ऑफ एलगी शैवाल का अध्ययन क्या कहा जाता है शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है phycology कहा जाता है है ना क्लोरोफिल उपस्थित होता है शैवाल में आप लोगों को पता ही है और ये स्वपोषी होते हैं मतलब इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है क्लोरोफिल जिनमें पाया जाता है वो खुद का खाना खुद बना सकते हैं तो एलगी जो शैवाल जो होते हैं ये प्लांट के जैसे होते हैं प्लांट के जैसे होते हैं और ये क्या करते हैं ऑनलाइन लगती है मैम क्लास हाँ बिल्कुल बेटा बिल्कुल ठीक है है ना तो पाए जाते हैं और ये स्वपोषी यानी कि ये होते हैं मतलब जो खुद का खाना खुद बना सकते हैं चलो अब अगला देखो क्या है <coughs> शैवाल भाई शैवाल के बारे में थोड़े नाम देख लो कुछ शैवालों के नाम देख लो है ना कुछ शैवालों के नाम देख लो आपकी एक मुस्कुराहट ही काफी है हमारे लिए मैम है ना थैंक यू प्रीति बेटा ठीक है आपके पीछे भूतनी है कहाँ भाई मुझे ही भूतनी बोल रहे हो क्या तुम मुझे हुतनी बोल रहे हो क्या देखो शैवाल जो है शैवाल शैवाल एलगी इनके कुछ नाम कुछ इंपॉर्टेंट नाम आप लोग याद रखना भी न, तो मैंने बता ही दिया था आपने सी सुना है क्या सर्गेसो समुद्र समुद्र नाम का जो समुद्र है ना वो एटलांटिक है अटलांटिक महासागर सुना है ना अटलांटिक महासागर जो दूसरा सबसे बड़ा महासागर है ठीक है तो दूसरा सबसे बड़ा महासागर जो है अटलांटिक उसके पूर्व उत्तरी वाला जो अटलांटिक महासागर है उत्तरी उत्तरी और दक्षिणी अटलांटिक है उत्तरी अटलांटिक

अंतरिक्ष शैवाल उसको इसलिए बोला जो हमारे में, जाते हैं, ना देखा आप में जाते हैं वो लोग क्या खाते होंगे क्या खाते होंगे इतना सारा खाना वो लोग लेके जाएंगे इतने समय के लिए कई तो महीनों सालों के लिए चले जाते हैं तो भाई यहां से खाना बना के लेके जाएंगे तो वो खराब हो जाएगा ना वो लोग पता है ये एलगी खाते हैं ये जो शैवाल है ना क्लोरेला इसको स्पेस इस एलगी इसीलिए बोला जाता है वो लोग इसी एलगी को लेके जाते हैं और इस एलगी में इतना ज्यादा इतनी ज्यादा पावर होती है कि ये खुद को डिवाइड कर लेता है खुद को डिवाइड कर लेता है ठीक है खुद को डिवाइड कर लेता है लाइन नहीं पर मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं और माइंड पूरा क्लियर रहता है अरे थैंक थैंक यू यू बेटा यू बेटा ठीक है तो इसी को लेके जाते हैं इसी को क्लोरेला अब याद रखना अगर आपसे पूछा जाए स्पेस किसको बोला जाता है तो आप बोलोगे क्लोरेला को बोला जाता है क्यों क्योंकि जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं तो वो अपने साथ क्लोरेला को ही खाने के तौर पर लेके जाते हैं और थोड़ा थोड़ा इसको खाते हैं और ये खुद ब खुद डिवाइड हो जाता है खुद ब खुद डिवाइड हो जाता है ठीक है चलो अब याद रखना इसको अब दूसरा है एसिटाब्यूलेरिया और स्पाइरो स्पाइरोगाइरा एसीरा एसीटाब्यूलेरिया स्पाइरोगाइरा ये सारे शैवालों के नाम हैं इनको आप लोग याद रखना ठीक है अब देखो फंगी के बारे में भाई कवक के बारे में कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है एल्गी के अध्ययन को क्या कहा जाता है फाइकोलॉजी ठीक है और कवक की अध्ययन को बोला जाएगा कवक के अध्ययन को फंगस के स्टडी को बोला जाएगा माइकोलॉजी माइकोलॉजी फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी याद रखना ठीक है अच्छा इसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा क्या क्लोरोफिल पाया जाएगा क्लोरोफिल क्लोरोफिल इसमें नहीं पाया जाएगा इसमें क्लोरोफिल जो है वो नहीं पाया जाएगा विथ बायोलॉजी बेटा प्रकाश बेटा विथ बायोलॉजी ठीक है है ना देखो इधर देखो इधर देखो क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा भाई कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा इसलिए कवक जो है वो कभी खुद का खाना खुद नहीं बना सकती फंगस जो है वो किसी और ही चिपक के उसको चूसती है उसको खाती है चिपक के उसको पूरा खाने को खराब कर देगी और खुद खाएगी हमको खाने थोड़ी देगी वो खुद खाएगी खुद खा लेती है समझ रहे हमारे खाने को खराब करके खुद खा लेती है इसमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है इसीलिए ये हरे रंका, हरे रंग रंग का का तो हो जाता है है पर वो वाला हरा नहीं है। जैसे प्लांट्स हरे होते हैं ना ये वैसे हरे नहीं होते ये अलग टाइप के गंदे टाइप के हरे होते हैं ठीक है तो इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता कोशिका भित्ती जो इनकी होती है ना जो कोशिका की जो वॉल होती है कोशिका भित्ती जो होती है वो किसकी बनी होती है काइटिन की बनी होती है देखो काइटिन को हम लोग नहीं पचा सकते मैंने आपको पहले कि बताया था काइटिन को हम लोग नहीं पचा सकते हैं ठीक है और इसीलिए कवक का अगर कवक अगर किसी चीज में लग गई ना फंगस अगर किसी चीज में लग गया ना किसी खाने में उसको हम लोग खा लेंगे तो वो हम नहीं पचा पाएंगे हमको उल्टी उल्टी होने लगेगा क्यों नहीं पचा सकते क्योंकि इसमें काइटिन का बना हुआ कोशिका भित्ति पाया जाता है काइटिन हम नहीं पचा सकते ठीक है उदाहरण देखो म्यूकर राइजोपस एल्ब्युगो और यीस्ट ठीक है इसमें से जो राइजोपस है ये ब्रेड में पाया जाता है। ब्रेड खाते हो तुम लोग ब्रेड में हरा हरा लग जाता है दो चार दिन रख दो होता है। इसलिए हम लोग नहीं पचा सकते ठीक है कवक को नहीं पचा सकते तो राइजोपस जो होता है ना वो ब्रेड में पाया जाता है ब्रेड में लग जाता है वो समझ गए चलो है ना अगला देखो भाई क्या है अगला है ब्रायोफाइटा 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 में क्या क्या आएगा ब्रायोफाइटा में क्या क्या आएगा लीवर वर्ड आएगा और मोसेस आएगा है ना मोसेस जो है जो है वो भी वो भी काई 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 देखा है काई, काई में कभी धड़ाम से गिरे हो क्या मैं तो एक बार गिर गई थी यार बचपन में बचपन में गिर गई थी तब तब मैं बहुत छोटी थी पर आज भी मुझे याद है बहुत बुरा गिरी थी मैं पिकनिक गए थे हम लोग पिकनिक मनाने गए थे अब बहुत बुरा गिरी थी मैं समझे वो दिन याद करती हूँ तो बड़ा बुरा लगता है बहुत मार भी पड़ी थी मार भी पड़ी थी है ना बहुत बार गिरी हूँ बहुत मार पड़ी थी मतलब पहले बचपन में क्या होता था पता है चोट भी तुमको ही लगेगी गिरोगे भी तुम ही और मार भी तुमको ही पड़ेगी ऐसा बचपन में होता था पता नहीं क्यों पता ही नहीं है क्यों रो के अगर घर जाते थे ना कि गिर गए या चोट लग गई तो उल्टा मम्मी हमको ही पीटती थी यार पता नहीं क्यों ठीक है आप बरसात में गिरा तो काई होती है ना काई मोसेस मोसेस ठीक है मोसेस जो है वो ब्रायोफाइटा में आएगा भाई जाइलम और फ्लोयम इसमें नहीं पाया जाता इसमें जाइलम और फ्लोयम नहीं पाया जाता जाइलम और सेलम और फ्लोयम आप लोगों को पता होगा ये नहीं पाया जाता इसको उभय चर श्रेणी कहा जाता है बेटा अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई प्लांट में प्लांट किंगडम में उभयचर श्रेणी एम्फीबियन कैटेगरी कौन से ग्रुप को बोला जाता है तो आप लोग बोलोगे ब्रायोफाइटा को क्यों बोला जाता है 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 क्योंकि ये ये जो जो और और लिवर और लिवर वर्ड्स वर्ड्स ना ना इनको बहुत कम नमी चाहिए उगने के लिए इनको बहुत कम नमी चाहिए है उगने के लिए थोड़ा सा भी कहीं पर पानी देखना अगर गिर जाएगा ना वहां पर ये बहुत गंदे तरीके से उग जाते हैं और भाई इंसानों के लिए तो बहुत खतरनाक होते हैं गिर जाते हैं यार लोग मेरे को बहुत गुस्सा आती है ये सब देख के बिल्कुल समझ गए ठीक है तो स्पैगनम नाम का स्फेगनम नाम का एक ब्रायोफाइटा है है स्फेगनम जो ब्रायोफाइटा है ना वो अपने अपने वेट से 18 से 20 गुना ज्यादा पानी सोख के रख सकता है अपने वेट से 15 से 20 गुना ज्यादा पानी सोख के रख सकता है इस फैगनम समझ गए इसीलिए कई बार क्या होता है जब दूर में अगर मान लो कोई पौधा लेके जा रहा है कोई ठीक है अगर गाड़ी वगैरह में कोई पौधा लेके जा रहा है और उसको काफी दूर तक जाना है तो वो क्या करेगा इस फैगनम को रख लेगा उस पौधे के साथ इस फैगनम को रख लेगा क्योंकि इस फैगनम बहुत ज्यादा पानी सोख सकता है बहुत सारा पानी ये सोख लेगा और सोखने के बाद उस प्लांट के साथ इसको ले जाएंगे समझ गए है ना हाँ स्पेगनम का यूज कहाँ होता है कहाँ कहाँ होता है बताया मैंने बेटा गार्डन में भी इसका यूज होता है ठीक है ये पानी बहुत सोखता है बहुत पानी सोखता है ठीक है <coughs> लाइक लाइक कर कर दो सब, हाँ कर दो सब सब अगला देखो भाई फाइटा, गीली छायादार जगहों पर ये पाई जाएगी टेरिडो फाइटा जंगलों में पाई जाएगी और पहाड़ों में पाई जाएगी टेरिडो फाइटा कहां पर पाई जाएगी? ये पानी के पुए पर हो जाती है पत्थर पर हाँ बेटा हो तो जाती है यार बहुत बहुत गुस्सा आती है मुझे ये सब देख के पता है तुम लोगों को ये बहुत गिरा देती है फाउंड इन डेंसली शेडो शेडेड प्लेसेस थीस्ट एंड माउंटेन्स भाई जो आ, जो शेडो वाले प्लेसेस होते हैं ना

सब पाया जाएगा पत्ते भी पाए जाएंगे ठीक है <laughs> मैं सूटी पहना करो बुरुमा जैसी लुकिंग नहीं सर वो आप भी गिरे हो मैम हाँ यार मैं गिरी हूँ मैं गिरी हूँ बहुत गुस्सा आया था मुझे बहुत छोटी थी मम्मी ने बहुत पीटा था जब मैं गिरी थी जड़ तना पत्ते उपस्थित होते हैं भाई इसको अलग अलग क्लासेस में बांटा गया है क्लासेस देखो साइलोपसीडा स्पिनोपसीडा टेरोप्सीडा माइकोपसीडा भाई कंफ्यूजिंग है पर जिसमें भी सीडा सीडा लग जाएगा ना जिसमें भी सीडा सीडा लग जाएगा ठीक है उसमें वो टेरिडोफाइटा के अंडर आएगा उदाहरण क्या है भाई फर्न फर्न है फर्न फर्न एक तरह का टेरिडोफाइटा होता है फर्न टेरिडियम एजोला लाइकोपोडियम ये सब आप लोग फोटो में एक बार देख लेना ये सब आप लोग फोटो में एक बार देख लेना है ना मैं भी गिरी रही हूं क्या बात है अब देखो फेनेरोगैम्स देखो क्रिप्टोगैम्स हमने पढ़ लिया क्रिप्टोगैम्स में क्रिप्टोगैम्स में हमने क्या पढ़ा <coughs> ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा सब देख लिया फेनेरोगेम देखो फेनेरोगेम को दो भागों में बांटा गया भाई दो भागों में बांटा गया है एक है जिम्नोस्पर्म एक है एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ठीक है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म जो होता है ना उसमें उसमें जो बीज होते हैं वो पौधे के बाहर लगे होते हैं पौधे में बाहर की ओर बीज लगे होते हैं और जो एंजियोस्पर्म होते हैं उसमें पौधे में जो है अंदर बीज होते हैं अंदर बीज होते हैं जैसे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दिखा दू देखो ये पेड़ दिख रहा है आप लोगों को ये दिख रहा है ना इसमें जो है बीज बाहर की तरफ है बीज जो है बाहर की तरफ है बीज बाहर की तरफ है और ये जिम्नोस्पर्म में आएगा जिम्नोस्पर्म कैटेगरी में आएगा ठीक है तो ये पौधे पेड़ों और झाड़ियों के रूप में होते बड़े बड़े पेड़ बड़ी बड़ी झाड़ियां देवदार का पेड़ देखा है देवदार का पेड़ देखना इमेज निकाल के देखना गूगल में देवदार का पेड़ देखना ठीक है है दे देवदार का पेड़ देखना उसमें देखना ये जो बीज है ना बहुत बड़े बड़े बीज जो है पेड़ में बाहर ही दिखाई देते हैं आपको ठीक है पौधे का जो शरीर होता है उसमें जड़ तना और पत्तियां सब कुछ उपस्थित होती है बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं ये ठीक है पौधे लंबे होते हैं काष्टीय होते हैं ये वाले जो पौधे होते हैं ना इसमें जो पौधे आते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं पेड़ होते हैं मतलब समझ लो और उनकी जो लकड़ियां होती है वो बहुत मजबूत होती है बहुत मजबूत लकड़ियां होती है सबसे लंबा पेड़ जो है सबसे लंबा पेड़ दुनिया का सबसे लंबा पेड़ एक बार उसकी फोटो देखना इतनी बड़ी बड़ी है ना इतनी बड़ी और इतनी चौड़ी देख के तुम डर जाओगे ऐसे देखना पड़ेगा तुम्हें समझे कैसे देखोगे ऐसे देखोगे देखते देखते गिर भी सकते हो कोई भरोसा नहीं है उसका समझ गए देखते देखते तुम गिर भी सकते हो कोई भरोसा नहीं है और उस पेड़ का नाम क्या है उस पेड़ का नाम है साइको क्या नाम है सिक्वे सिक्विया गिगेंशिया सिक्विया गिगेंशिया सिक्विया गिगेंशिया दुनिया की सबसे बड़ी दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ है यू तुमको देखना पड़ेगा समझे सबसे छोटा पौधा अगर बोलोगे तो स्मॉलेस्ट प्लांट जैमिया पिग्मिया जैमिया पिग्मिया जो है वो सबसे छोटा सबसे छोटा पौधा है दुनिया का सबसे छोटा पौधा जो इसी के अंडर आता है <coughs> साइकस और पाइनस भाई साइकस और पाइनस जानते हो साइकस और पाइनस भी इसी में आएंगे साइकस और पाइनस भी इसी में आएंगे ठीक है याद रखना अगला देखो भाई अगला देखो क्या है अगला है एंजियोस्पर्म मैंने क्या बताया जिम्नोस्पर्म में क्या होता है जिम्नोस्पर्म में क्या होता है जो बीज होता है जो बीज होता है वो पौधों के और पेड़ों के बाहर लगा हुआ, हुआ होता है देवदार का पेड़ देख लेना समझ में आ जाएगा ठीक है लेकिन एंजियोस्पर्म में जो है वो देखो इस तरह के प्यारे प्यारे फूल पाए जाते हैं इनके फलों के अंदर बीज पाए जाते हैं जितने भी नॉर्मल पेड़ पौधे होते हैं ना उनके फलों के अंदर बीज पाए जाते हैं पता है आप लोगों को सब एनजीओ में आएगा एनजीओ में आएगा ठीक है इसमें जड़ होते हैं पत्ते होते हैं फूल होते हैं फल होते हैं बीज होते हैं सब विकसित होता है सब कुछ अच्छा खासा विकसित होता है इसमें ठीक है सीड में कोट मौजूद होता होता है है भाई जो बीज ना बीज में एक कोट मौजूद होता है जो उसको घेरे रखता है बीज में एक कोट मौजूद होता है जो उसको घेरे रखता है लेकिन जिम्नोस्पर्म जो हमने देखा जिम्नोस्पर्म में ऐसा नहीं है जिम्नोस्पर्म के जो बीज होते हैं ना उनमें कोई कोट नहीं होता वो एकदम ऐसी खुले खुले हुए रहते हैं ठीक है दो प्रकार के एंजियोस्पर्म होते हैं एक होता है एक बीज पत्री दूसरा होता है

टिलेडन है और इनमें से कौन सा डाइकोटिलेडन है वहां फंस जाओगे मोनोकॉटिलेडन जिसमें जिसके बीज में एक पत्ता छोटा सा पत्ते जैसा पाया जाएगा ठीक है उसको क्या बोलेंगे मोनोकोटिलेडन लहसुन में प्याज में नारियल अखरोट गेहूं मक्का गन्ना चावल ये सब मोनोकोटिलेडन होते हैं बेटा मोनोकोटिलेडन ऑनियन कोकोनट नट व्हीट मेज शुगर के राइस गार्लिक ये सब मोनोकोटिलेडन होते हैं डाईकोटिलेडन कौन से होंगे मूली शलगम जूट बबूल इमली लिली गेंदा संतरा नींबू आलू बैंगन सेब ठीक है ये सब डाईकोटिलेडन होंगे इन इनके जो सीड होंगे इनके जो सीड होंगे उनमें दो पत्ते जैसी आकृति देखने को मिलेगी बहसून प्याज मत खाना कोई <coughs> ठीक है रेडिश टर्निप जूट टैमरिन ये सब में ये सब जो है ये डाईकोटी लेडन है चलो है ना चलो अब अगला देखो भाई अगला क्या है अब है सबसे मेन सबसे मेन जंतु जगत जिसमें से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं है ना प्लांट किंगडम से तो आपके गिने चुने सवाल आते हैं गिने चुने जितना मैंने पढ़ाया उससे बाहर नहीं आएगा ये मेरी गारंटी है ठीक है प्लांट जगत से नहीं आएगा जंतु जगत से भाई कई तरह के सवाल बनते हैं जंतु जगत कई सारे कई तरह के सवाल इससे बनते हैं तो इस पर ध्यान देना इसपे ज्यादा ध्यान देना ठीक है जंतु जगत को एनिमल किंगडम भी कहा जाता है पहला ये वाला जो जगत था ना इसमें कई तरह कई कई सारे वे मैम आपका टेलीग्राम ज्वाइन नहीं हो रहा हो जाएगा बेटा हो जाएगा हो जाएगा शांति रखो शांति ठीक है प्रोटोजोआ भाई पहला ग्रुप है प्रोटोजोआ पहला ग्रुप प्रोटोजोआ ये ध्यान देना ये ध्यान देना ये एक कोशिकीय होते हैं प्रोटोजोआ में जितने भी जीव आएंगे ये मैं एनिमल्स की बात करी जंतुओं की बात कर रही हूँ जो जीते जागते घूमते फिरते जंतु होते हैं उनकी बात कर रही हूँ एक कोशिकीय यानी यूनिसेल्यूलर होंगे ये परिजीवी होते हैं भाई परिजीवी पैरासाइट पैरासाइट जो प्रोटोजोआ होते हैं ना वो पैरासाइट पैरासाइट को कहा जाता है जो, दूसरों का चूस के जीते है जो दूसरों पे खाने पीने के लिए निर्भर होते हैं ना उनको पैरासाइट बोला जाता है मच्छर जानते हो मच्छर वो पैरासाइट की कैटेगरी में आता है समझे पैरासाइट होते हैं और मुक्त जी फ्री लिविंग घूमते फिरते घूमते फिरते रहते हैं घूमते फिरते रहते हैं ठीक है ठीके? इनका जो श्वसन होता है ये जो सांस लेते हैं ना और उत्सर्जन होता है उत्सर्जन मतलब जो शरीर से इनके वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू निकलते हैं डिफ्यूजन के थ्रू निकलते हैं प्रसार द्वारा ये निकलते हैं ठीक है चलो अगला देखो मेटाबॉलिक गतिविधि इनमें होती है मेटाबॉलिक गतिविधि का मतलब क्या होता है खाना खाना डाइजेस्ट करना ठीक है डाइजेस्ट करना उसको मतलब पचाना वगैरह ये सब इनके शरीर में होता है उदाहरण भाई देखो क्या है? अमीबा है यूग्लिना है ट्रिपेनोसोमा है ये सब इसके एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल है बेटा प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल हैं। अगला देखो भाई पोरीफेरा पोरीफेरा इसका दूसरा कैटेगरी जंतु जंतु के जो ग्रुप है उसकी दूसरी कैटेगरी है पोरीफेरा पोरीफेरा जो नाम है इसमें एक शब्द है पोर पोर का मतलब होता है छेद पोर का मतलब होता है हिंदी में छेद और पोरीफेरा वो जंतु होंगे जिनके शरीर में छेद पाए जाएंगे बेटा जंतु ऐसे जंतु जिनके शरीर में पोर पाए जाएंगे पोर मतलब छेद होता है उनको पोरी फेरा कहेंगे ये बहु कोशिकीय होते हैं मल्टी सेल्यूलर होते हैं असंख्य छिद्र होते हैं इनमें और उन छिद्रों को क्या बोला जाता है ऑस्टिया बोला जाता है जो छेद इनके शरीर में पाए जाते हैं ना उनको ऑस्टिया बोला जाता है और इनके पूरे शरीर में छेद पाए जाते हैं देखो तो ये ज्यादातर समुद्र में पाए जाते हैं समुद्र में आप लोगों को रंग बिरंगे रंग बिरंगे पेड़ पौधे दिखते हैं रंग बिरंगे जंतु दिखते हैं ऐसे कई सारे पेड़ पौधे समुद्र में पाए जाते हैं जो देखने में पौधे लगते हैं लेकिन वो असल में जंतु होते हैं और वो दूसरे मछली वछली को खा लेते हैं खींच के देखा होगा आप लोगों ने डिस्कवरी में तो ये जो है ना ये जंतु जो है ना दिख रहे हैं ना आप लोगों को इनके शरीर में छेद होते हैं बहुत सारे छेद होते हैं और इन्हीं इन्हीं छेदों को ऑस्टिया बोला जाता है ऑस्टिया एग्जाम्पल देखो साइकोन और स्पॉन्ज <laughs>

धागे जैसी संरचनाएं पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं टेंटेकल बोलते हैं स्पर्शक या टेंटेकल उदाहरण क्या है हाइड्रा हाइड्रा आप लोगों ने हाइड्रा देखा है क्या हाइड्रा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है हाइड्रा में क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब हाइड्रा जो होता है ना उसको दूसरे दूसरे की जरूरत नहीं होती है खुद ही खुद ही ऑफस्प्रिंग वो बना सकता है दूसरा जो उसके जैसा ही एक अपने जैसा बना सकता है बच्चा बना सकता है हाइड्रा ठीक है जेलीफिश देखा है जेलीफिश, जेलीफिश तो देखा ही होगा आप लोगों ने है ना जेलीफिश देखा होगा वो इसी में आता है ठीक है अगला देखो भाई क्या है प्लेटी हेलिमिंथेस प्लेटी हेलमिंथेस इसमें प्लेटी हेलमिंथेस का जो शरीर होता है वो ऐसा होता है देखो चपटा सा दिख रहा है चपटा सा एकदम चपटा सा शरीर होता है देखो चपटा सा शरीर होता है प्लेटी हेलमिंथेस ये ये जीव होते हैं इनके शरीर में कोई कंकाल नहीं पाया जाता हाँ प्रैक्टिकल लैब में देखा होगा बिल्कुल देखा होगा है ना बिल्कुल देखा होगा कोई कंकाल इनमें नहीं पाया जाएगा कोई श्वसन अंग अलग से कोई श्वसन अंग इनमें नहीं पाया जाएगा परिसंचरण तंत्र इनमें नहीं पाया जाएगा भाई एग्जाम्पल क्या है इनके है 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 प्लेनेरिया और फीता भाई फीता फीता टेप, <coughs> फीता भाई टेप टेप जो वो कहा जाता है। आप लोगों ने फीता देखा है क्या जब स्कूल में बच्चियां पढ़ती है तो वो दो चोटी बांधती है और दो चोटी में दो फीते लाल कलर के सफेद कलर के फीते बांधती है ना वो फीते कैसे होते हैं बिल्कुल प्लेन चपटे होते हैं बिल्कुल चपटे होते हैं और उसी इसीलिए

<laughs> पेट में जो कीड़े पड़ते हैं राउंड वॉर्म वगैरह वो एस्टेलिमेंथिस के अंडर आएगा वो गोल गोल होता है देखना उनका शरीर चपटा नहीं होके गोल होता है ठीक है गोल होता है और ये लंबे लंबे होते हैं ये कैसे होते हैं लंबे लंबे होते हैं और इनका जो शरीर है वो अनसेगमेंटेड होता है अनसेगमेंटेड इसमें कोई सेगमेंट कोई लाइन नहीं पाई जाती इनके शरीर में एग्जाम्पल के एग्जाम्पल देखो एस्केरिस और व्यू चीरिया व्यू चीरिया और एस्केरिस एस्केरिस जो है वो कई बार पेट में पेट की आंत में पाया जाता है ठीक है पेट की आंत में पाया जाता है और और एस जो जो है जो है ये पाया जाता है भाई व्यू पाया जाएगा देखो कई बार क्या होता है की वजह से एक बीमारी हो जाती है जिसको कहते हैं हाथी पाव कहते हैं हाथी पाव बीमारी जो है वो इसी की वजह से होती है व्यू की वजह से होती है अगला देखो भाई क्या है एनेलिडा ये आप लोगों को दिख रहा है एनेलीडा एनेलिडा है ये ठीक है ये एने है है ना एनेलिडा भाई एने में केचुआ आएगा जोक आएगा जोक और केचुआ देखा है आप लोगों ने जोक और केचुआ देखा होगा आप लोगों ने जोक का जो शरीर है उसमें लाइन पाई जाती है ना ना लाइन 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 दिखती 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 है 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 सॉरी के के शरीर में, के शरीर में में देखो ऐसी तो इसको बोलेंगे सेगमेंटेड सेगमेंटेड बॉडी बॉडी मतलब जिसके शरीर में लाइन दिखता है शरीर कोमल होता है और मेटामेरिक रूप से खंडित होता है खंडित मतलब इसमें लाइन पाई जाती है इसमें लाइन पाई जाती है ठीक है इसमें नेफ्रीडा देखो एक बात ध्यान रखना इनके शरीर में नेफ्रीडा होता है ये

ये वो है ठीक है एन में ये आएगा है ना उदाहरण केचुआ और जोग इनका जो शरीर होता है उसमें चार जोड़ी दिल पाया जाता है केचुए के शरीर में चार जोड़ी दिल पाया जाएगा समझ गए नेफ्रीडिया से इनका इनकाशन होता है आर्थ्रोपोडा भाई आर्थ्रोपोडा मतलब आर्थ्रोपोडा मतलब जितने भी जितने भी जो है कीड़े मकोड़े होते हैं वो आर्थ्रोपोडा में पाए जाएंगे इनका जो शरीर होता है इनके शरीर के बाहर स्केलेटन पाया जाएगा इसके बारे में मैंने पढ़ाया है इनके शरीर के बाहर कंकाल पाया जाता है शरीर के बाहर कंकाल पाया जाता है इनके जो पैर होते हैं वो ज्वाइंटेड होते हैं इनके जो पैर होते हैं वो ज्वाइंटेड होते हैं ठीक है इनका जो सर्क्यूलेटरी सिस्टम होता है मतलब इनके शरीर में जो है, वो नसों में नहीं दौड़ेगा मोलूस का भाई मोलूस का स्नेल देखा है, स्नेल स्नेल देखा होगा ये घोघा देखा होगा आप लोगों ने इनका शरीर बहुत सॉफ्ट होता है इनका शरीर जो है वो बहुत सॉफ्ट होता है बहुत सॉफ्ट होता है ठीक है तो शरीर कोमल होता है कठोर चूनेदार खोल बना होता है इनके शरीर के ऊपर देखो ये जो खोल है ये जो खोल है ना

Cordata भाई Cordata में सबसे पहला आएगा मछली मछलीस मत ठीक है ये मछली आपको दिख रही है ये, ये जलीय जंतु होती है मछली <coughs> आपको पता है कोल्ड ब्लडेड होती है भाई इनका खून जो है वो ठंडा होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल होती है मछली ध्यान रखोगे इनका जो दिल होता है ना इनका जो दिल होता है उसमें दो कमरे होते हैं टू चेम्बर होते हैं देखो ऐसा दिल होता है इनका एक कमरा ऊपर एक कमरा नीचे फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर समझ गए इनका जो सेशन होता है है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बनता है कि ये लोग जब सांस लेते हैं तो तो शरीर के किस अंग से सांस सांस लेते लेते हैं हैं तो लिखोगे गिल ये लोग जो लेते ना यहाँ यहाँ पर देखना इनका ये जो पोर्शन है ना ये पोर्शन इसको जब आप ऐसे खोलोगे ना तो यहाँ अंदर में एक तो कंघी जैसा रहता है दो कंघी जैसा लाल लाल तो यहाँ से ये सांस लेते हैं समझ गए तो इसको गिल्स बोलते हैं इसका एग्जाम्पल आएगा टॉर्पेडो लेबियो हिप्पोकैम्पस ये सारे मछली की श्रेणी में पीसेस की श्रेणी में आएंगे ठीक है पीसेस की श्रेणी में आएंगे हमेशा ये पानी में ही पाए जाएंगे अगला है उभयचर उभयचर यानी कि एम्फीबिया एम्फीबिया जमीन में भी पाए जाते हैं हाँ रेड कलर का बेटा एम्फीबिया जमीन में भी पाए जाएंगे पानी में भी पाए जाएंगे आप लोगों ने फ्रॉग देखा है ना मेंढक देखा है ना वो पानी में भी पाए जाते हैं टट 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 टर करते रहते हैं और जमीन पे भी पाए जाते हैं भूमि में और जमीन में जल में मौजूद ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं खून इनका ठंडा होता है कोल्ड ब्लडेड वो होते हैं जिनका जो शरीर है वो बाहरी वातावरण के हिसाब से बदलता है अगर बाहर ठंड है तो उनका शरीर भी ठंडा हो जाएगा बाहर गर्मी है तो उनके शरीर के अंदर का भी हिस्सा जो है ठंडा हो जाएगा हम में ऐसा नहीं होता इंसानों में और चिड़िया में ऐसा नहीं होता है हम लोग वार्म ब्लडेड है मतलब हमारा जो खून है ना वो बाहर के इन्वायरमेंट के हिसाब से ठंडा और गर्म

गिल्स से भी ले सकते हैं अपने स्किन से भी ले सकते हैं त्वचा से भी सांस ले सकते हैं हम नहीं ले सकते पर ठीक है और किससे ले सकते हैं अपने फेफड़ों से भी सांस ले सकते हैं उदाहरण मेंढक ठीक है उदाहरण क्या है भाई मेंढक है अगला रेप्टिलिया भाई सरी जो रेंगते हैं जो रेंगते हैं उन्हें रेप्टिल रेप्टाइल्स में डाला जाता है रेंगने वाले जानवर इसमें आते हैं सांप क्रोकोडाइल समझे जितने भी लिजार्ड वगैरह मतलब छिपकली वगैरह सब रेंगने वाले इसमें आएंगे ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं इनका जो खून होता है वो ठंडा होता है ये जो सांस लेते

अब एब्स के बारे में देख लो एब्स मतलब जो जितने भी चिड़िया आएंगी जितनी भी चिड़िया है वो सब इस इस ग्रुप में आएगी चिड़िया जो है वो गर्म खून वाली होती है चिड़िया का जो खून होता है वो गर्म होता है वार्म ब्लडेड जैसे इंसानों का होता है वैसे चिड़िया का भी होता है आगे के जो पैर होते हैं ना वो पंखों में <coughs> 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 चिड़िया के जो आगे के पैर होते हैं वो पंखों में तब्दील हो जाते हैं समझ रहे हो आगे के पैर पंखों में बदल जाते हैं हृदय जो होते हैं इनके चार कक्षीय होते हैं है ना हमारे इंसानों का भी जो हृदय होता है वो चार कक्षीय होते हैं चार चैंबर होता है वैसे ही इनका भी जो हार्ट होता है वो चार चैम्बर का होता है ये जो सांस लेते हैं ये भी लग से फेफड़े से सांस लेते हैं इंसानों की तरह इनके दांत जो है दांत नहीं होते दांत ही जो है मॉडिफाई होकर चोच बन जाते हैं दांत मॉडिफाई होकर क्या बन जाते हैं चोच बन जाते हैं उदाहरण मोर तोता जितने भी कौआ उ जितने भी है ना वो सब एबिस में आएंगे

चैम्बर वाला होता है डिफियो डोंट दांत होते हैं हमारे में मतलब जिंदगी में पूरे जीवन काल में दो बार दांत आते हैं एक बार दूध का दांत आता है और दूसरी बार जो है परमानेंट दांत आते हैं ठीक है डिफियो डोंट प्रकार देख लो प्रोटोथीरिया मेटाथीरिया यू मैमल्स तीन तीन प्रकार के होते हैं प्रोटोथीरिया वो जो अंडा देते हैं प्रोटोथीरिया वो वाले मैमल जो अंडा देते हैं मेटाथीरिया वो वाले मैमल जो अपरिपक्व बच्चा देते हैं मतलब कंगारू देखा है कंगारू का जो सामने में पॉकेट होता है कंगारू का सामने में पॉकेट जैसा एक रहता है ना उसमें बच्चा रहता है लेकिन वो बच्चा पूरी तरह से विकसित बच्चा नहीं रहता तो उसको प्रोटो मेटाथीरिया बोलेंगे मेटा कंगारू का होगा इनमेच्योर चाइल्ड होता है उनका ठीक है और यू थीरिया यू थीरिया में हम आएंगे हम हम आएंगे कुत्ते आएंगे बिल्ली आएंगे क्यों क्योंकि अच्छी तरह से विकसित बच्चा जन्म देते हैं यू थीरिया जो है वो अच्छी तरह से विकसित बच्चे को जन्म देते हैं चलिए तो आज की जो क्लास है वो अब खत्म हो चुकी है ठीक है जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमने सारे कवर कर लिए हैं इसके बाद आपके कंप्यूटर की क्लास है तो कोई भी अगर डाउट हो या कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं है ना चलिए आपकी जो शाम है वो बहुत 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 शुभ हो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे सारे अपडेट्स के लिए तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं कल सुबह करंट अफेयर्स की क्लास पे थैंक यू सो मच